माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र सोनीपत की समस्या पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र सोनीपत से प्रतिदिन लाखों की संख्या में रोजगार के लिए और अन्य कार्यों के लिए लोग सोनीपत से दिल्ली आते जाते हैं, लेकिन यात्री गाड़ियों की संख्या कम होने तथा सवारी गाड़ियों में यात्री डिब्बों की संख्या कम होने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे कई बार रेलगाड़ी में न चढ़ पाने या भीड़ में गिर जाने के कारण यात्री मौत का शिकार हो जाते हैं। ठंड और बरसात के मौसम में दैनिक यात्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है। रोहतक गोहाना स्पीडो पानीपत और रोहतक जुलाना जींद स्पीडो पानीपत रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया जाए, इसके साथ ही साथ इस ट्रैक पर सवारी गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे अधिक से अधिक यात्री लाभान्वित हो सकें। अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से यह भी निवेदन है कि दिल्ली से सोनीपत और पानीपत के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाई जाए, ताकि यात्री गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने की सुविधा का कष्ट किया जाए, जिससे दैनिक रेल यात्रियों की सुविधा प्राप्त हो सके। धन्यवाद।